चलो विस्की मलाइया। गाइस देख सकते हो इसको, किसी ने जंगली जानवर ने अटैक किया, इसकी आंख देख लो आप। इसको दर्द हो रही, मत कर यार, रहने दे यार। ये करने के बाद इसको ना पट्टी फिर लगाऊंगा मैं। आय हाय पगले, अल्लाह नहीं हो रहा है। पागल हो गया क्या? गाली किसको दे रहा है? हमारे साथ आया वो, मत कर। ओए ऐसे लोगों को मत लेके आया कर, तेरे पीछे छोड़ना इसको। मैं सीधा कर दूंगा इसको। दो मिनट में बना रहा हूं यार, बीच में बोलिए। गाली को दे रहा है, गाली को दे रहा है वो भाई नहीं अपना। और छोड़ यार, दफा कर इसको, अगली बार लेके नहीं आना इसको, पहले बता रहा हूं मैं। और तू तेरा दोस्त है भाई यार, सीधे तरीके से बात करो। पान डाले इसमें, कौन सी बात है? पूरा गन डाल दी यार यहां पे नीचे पूरा। ये क्या कर दिया तुमने? वाली बात, गफे वाली कौन सी बात आ गई? अभी डेकोरेशन यहां पर जब होगी, यहां पर चार चांद लगने वाले हैं। 3 2 1 Go! So come on guys, let's start the cooking. So guys, welcome back to our new vlog. और आज हम फिर से आए कार कैंपिंग करने के लिए। मेरे साथ हैं साहिल खोकर, as usual. और so guys, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में हमारे साथ। आज आपको बहुत मजा आने वाला है। आज हम बहुत ही खतरनाक प्लेस में आए हैं एज यूजुअल, जो कि जंगल है। आप आगे पीछे देख सकते हैं, शायद आपको नहीं दिखेगा क्योंकि अंधेरा है। सो बहुत ही खतरनाक एक घना जंगल है और यहाँ पर आज हम कैंपिंग करने जा रहे हैं। और आज बहुत मस्त कुकिंग होने वाली है यहाँ पर। आज हम नॉन वेज बनाने जा रहे हैं। जो वेजिटेरियन है तो वो स्किप कर सकते हैं नॉन वेजिटेरियन पार्ट को। बाकी अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो आप देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर सिर्फ दो बंदे सोते हैं, तो आज हम एक्स्ट्रा लेके आए हैं टेंट लेके आए हैं। और टेंट में हम दो बंदे एक्स्ट्रा सोएंगे, दो गाड़ी में, दो टेंट में, और बहुत मजा आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यस ब्रो, लेट्स स्टार्ट। प्रिपरेशन करते हैं, गाड़ी को सजाते हैं। आपने जुगनू देखा है चमकता हुआ, वैसे इस जंगल में अभी हमारी गाड़ी जो है जुगनू बनने वाली है। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं। एक्चुअली जो हमारी, जहाँ हमने टेंट लगाना है ना, वो जगह बहुत खराब है, तो उसको साफ करने के लिए हमें चाहिए झाड़ू। और झाड़ू आपको पता है हम घर से तो लेके नहीं आए। जब आप कैंपिंग कर रहे हो ना, आपको झाड़ू खुद से बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको एडजस्ट करना पड़ता है बहुत सारी चीजों में, जो कि नेचुरल जो कुदरत की चीजें हैं उन्हीं से आपको ये सब यूज करना होता है। उसकी लाइट ऑफ कर दे गाड़ी की यार। गाड़ी की लाइट ऑन है यार, बैटरी डेड हो जाएगी। रुक मैं कर के आता हूं। हां ये जगह हमारी पूरी साफ हो चुकी है। अब आप निकालो यार, टेंट लगाओ यार फटाफट। अरे तू तो पूरी धूल मिट्टी डाल गया है, तू तो जंगल में आके पोल्यूशन कर रहा है। तो आज आप देख सकते हो गाइस, हमने ना म्यूजिक के लिए हमने मिनी डीजे लाया, तो आज यहाँ पर आप समझ सकते हो क्या माहौल बनने वाला है थोड़ी देर के बाद। टेंट एक्चुअली बड़े दिनों बाद लगाया ना, ज्यादातर कार कैंपिंग ही कर रहे, तुम्हारी वजह से टेंट लगा रहे, वरना कहाँ लगाते हैं, कभी जरूरत नहीं पड़ी। गाड़ी के अंदर हम दोनों सोएंगे, इनको टेंट में सुलाएंगे। अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल आएगा इनके ऊपर अटैक करेगा सबसे पहले। जो वाइल्ड एनिमल ही, वैसे भी इनकी इनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है भाई, ये वैसे फ्री में आए हैं इस धरती में, भोज है। अपनी गर्लफ्रेंड को आखिरी फोन कर ले। हाँ कोई पता नहीं, तेरी आखिरी रात हो ये। अपनी बंदी से बात करने का, हो सकता है तेरी आखिरी रात हो। चलो भाई रब भरोसे बैठो। सो गाइस टेंट हमारा लग चुका है। ये टेंट को पता क्या रख, थोड़ा गाड़ी से पीछे रख। हाँ अब जो तुम्हें सामान दे रहा ना, वो साफ सुथरी जगह रखते रहो। आजा जतिन, ये ले। अच्छा कोल्ड ड्रिंक भी लेके आया भाई, हम पूरी तैयारी से आए। ये तो सरप्राइज दे दिया तूने हमें। तो गाइस अभी हम ना, ये मैंने पूरा बेड यहाँ पीछे रखा हुआ है, बस हम सीट को करेंगे बेंड और यहाँ पर हमारा बेड बन जाएगा। तो गाइस टेबल भी लेके आए हम। ओ ये तो लॉबी का उठा के ले आया अपने घर का। जो हमने ऑर्डर किया वो कब तक आएगा? वो थोड़ा टाइम लगाएगा, आया था बट एक्चुअली थोड़ा पता नहीं क्या हो गया, रिटर्न में चला गया। मैंने वापस से ऑर्डर किया, हमारे पास चेयर्स आने वाली है, मैसेज जमेगी, बैठ के जो नजारा आएगा यहाँ पर घूमने फिरने का, बैठने का फील करेगा। सो गाइस ये देख सकते हो, ये हमारा हथियार, एज यूजुअल आपको पता है इसके बिना हम, लेकिन किसी ने सजेस्ट किया कि यार आप एक हथियार लेके मत जाओ, कम से कम आपके पास बहुत सारे हथियार होने चाहिए, क्योंकि लेपर्ड आएगा या कोई वाइल्ड एनिमल आएगा तो आप एक हथियार से आप उसके साथ सामना नहीं कर सकते, आप सबके पास एक एक हथियार होना चाहिए। और ये हमारा वाटर कूलर है, इसमें हम पानी भर के लाए हैं, इसमें लेपर्ड पानी पिएगा, पानी की कमी नहीं होगी। लेपर्ड के लिए वाटर कूलर लाए हैं। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को सिंपल सा क्या करना है, जैसे था मैंने सीट बेंड कर दी है, बस सिंपल इसको मैंने ऐसे करना है, ये हो गया बेड बन गया ऐसे।
बेड रेडी। गाइस चेक कर सकते हो कितना सेक्सी बेड लग रहा है। मेरे को नींद आ गई, इसको देख के यार छोड़ के खाना बनाना से सो जाते हैं। अभी डेकोरेशन यहाँ पर जब होगी तो यहाँ पर चार चांद लगने वाले हैं। देखना चाहते हो? एक चांद वहाँ और चार यहाँ लगेंगे। यहाँ पर कैसे लगेंगे? कैसे काउंट करो, 3, 2, 1 गो। कार भी हमारी जुगनू बन गई है और हमारा टेंट भी जुगनू बन गया। तो आज यहाँ पर जबरदस्त महफिल जमने वाली है। सो कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट द कुकिंग। लग रहा है यार, मस्त लग रही है अंदर से यार। करो भाई आग लगाओ। सॉरी आग क्या लगानी है, हमारे पास सिलेंडर तो पड़ा ही हुआ है। So, गैस हमारी ऑन हो चुकी है, सब्जी हमारी वहां पर कट रही है। एज यूजुअल लॉन्गरी तो इसी को बनाएंगे ना, क्योंकि सारा काम तो इसने सीखा है। इसने एनसीसी की, एनसीसी में इसने प्याज टमाटर काटना सीखे हैं। मुंबई में ये गया एक्टर बने, वहां पर स्ट्रगल करते टाइम इसने वहां पर सब्जियां काटनी सीखी हैं। तो अब जो काम सीखा है, जो टैलेंट है, हमें हमारे काम तो आएगा ना। हाँ तो इसको मेरी मजबूरी नहीं बनाओ ना, हर ब्लॉग में मेरे को मेरे से प्याज कटवाते हैं, मेरे आंसू आते हैं आंखों से। पता है ये जो नया बंदा लाया, ऐसे भी काम कराओ। ओए तू भी कर यार। ये नए बंदे आए हमारे पास आज। गाइस ये जो आया ना आज, ये हमारा शेफ बनेगा। ये सब्जी काट रहा है ना आज, शेफ ये बनेगा। के हाथों की खाना देखते हैं कैसा बनता है। तो ये दो बंदे ने अपनी लजीज खाना खिलाएगा आज हमें। ये अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। पानी को ज्यादा यूज नहीं करना, पानी को बचाओ यार। हमारी सब्जी जो हमारा प्याज टमाटर धनिया है वो पानी से साफ कर रहे हैं। और मैं टाट से अपने जंगल में पूरी नजर रख रहा हूँ एज यूजुअल। आप जंगल में है तो थोड़ा ध्यान से रहिए और थोड़ा थोड़ा अपने जो आप मजे ले रहे हो मजे के साथ साथ आप अपना जंगल का जंगल में भी देखिए कि कोई आपको वाइल्ड एनिमल देख तो नहीं रहा, फिर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम चावल रखने वाले हैं गैस के ऊपर। चावल बनाने के लिए हमने लाया कुकर। कुकर में चावल बड़े टेस्टी बनते हैं और ये हमारे गाँव के चावल हैं तो बहुत टेस्टी बनते हैं कुकर में खासकर। ठीक है ठीक है। गाइस एक बहुत बड़ा कांड हो चुका है। हम अपने एंजॉय करने में बिजी थे और एक सीटी से चावल बन जाते थे, बट हमारी गलती से क्या हो गया। तो गाइस गलती क्या हो गई कि हमने ना ध्यान नहीं दिया और इसकी सीटी 2-3 बज गई और आई थिंक चावल सड़ चुके हैं। अब देखते हैं कि चावल खाने लायक हैं या सड़ चुके हैं। ये तुरंत कांड करवा दिया यार, क्या किया ध्यान रखना चाहिए यार। तो गाइस चेक करते हैं कि चावल सड़ेंगे नहीं सड़े। खोल इसको। कितने अच्छे चावल। अरे बच गए यार, बच गए। लांगरी ने अपनी स्पीड पकड़ी हुई है और टमाटर काट दिए, प्याज भी काट दिए अच्छे ब्रीक ब्रीक। और ये क्या भाई, अच्छा हरी मिर्चे ऐसे ऐसे काटते हैं। चल सही है, ये धनिया भी काट गया। मर्च कितने लेके आया भाई, इतनी मिर्चे खा के क्या करना है भाई, क्या सुबह वॉशरूम। सो गाइस चेक कर सकते हो अभी हमारा सलाद कट रहा है। पहले मैं सलाद को सरात बोलता था। सरात तो लोगों को किया जाता है। तो सब तैयारी हो चुकी है, अब हमारे चावल भी बन चुके हैं। तेल तेल बैग के बीच में होगा, ये रहा। इसी से हमें फ्राई करने हैं, थोड़े से फ्राई खाने हैं। तो अभी हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। अभी सब्जी अब हम बनाने जा रहे हैं अपना चिकन। पहले ये खाएंगे फ्राई, उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे, देन खाएंगे। ओके सो हाथ थक गया मेरा मान। ये क्या है? खीरा। तो खीरा बड़ा पसंद है, लगाया साहब। तो गाड़ी के अंदर तो मैं एज यूजुअल और अरविंद हम दोनों सोएंगे। जो हमारे साथ दो नए सदस्य हैं उनको हम टेंट में सुलाएंगे। और मैं सोच रहा था यार, हम तो कैंपिंग करते रहते हैं तो यार इनको हम रिस्क में नहीं डालेंगे, हम टेंट में सो जाएंगे और इनको गाड़ी में सुला देंगे, क्योंकि हमें आदत है जंगल में कैंपिंग करने की। शायद ये टेंट में अपने आपको थोड़ा डर फील करेंगे, तो हम टेंट में घुस जाएंगे हथियार लेके, इनको गाड़ी में निकल कर गाड़ी में घुसना भी आता ना।
क्योंकि अगर ये लोग घुस गए ना अगर टेंट के अंदर तो हाँ। गाड़ी में नहीं घुस पाएंगे इनकेस अगर कोई हादसा हो गया, इनकेस कोई आ गया। सो आज हमारा जो घर है वो ये है और इन दोनों का घर ये है। वो कहाँ गया? ओए तू कहाँ चला गया उधर? इसको पास रख अपने। पागल तो हो गया तू? इधर पता ये कौन सी जगह है, इतनी दूर जा रहा है भाई। तुझे कुछ हो गया तो घर पे जवाब कौन देगा? जवाब नहीं, सही बात है यार, तेरे को हम लेके आए, रिस्पांसिबिलिटी हमारी है भाई तेरे को यहाँ रखने की। करके बैठ दे नहीं तो फिर घर चल जा तू। ओ इसको अगली बार नहीं लेके आने यार। ओ भाई वासर है, पापा दे यार, घर से देंगे मुझे। लड़के को समझाओ यार, ये कहाँ घूम रहा है, अकेला मरवाएगा पतीला टेढ़ा वहाँ है। पतीला को सीधा करो ना, सारा एक साइड चला गया। तो दोस्तों जो भी वेजिटेरियन लोग हैं ना यार, प्लीज वो आप थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको नॉन वेजिटेरियन शॉर्ट्स, तो पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, तो आप स्किप कर सकते हैं आप एक दो मिनट के लिए। चल भाई ध्यान से भाई, क्यों अगली बार भी आना ना तूने, नहीं मुंह साड़ लेगा पापा, अगली बार भेजेंगे भी नहीं तेरे को। तो भाई जो आवाज आई है ना इसकी, क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है ऐसी आवाज से। कड़ा लो। नहीं नहीं वो खुलता है ना, हाँ जैसे तुझे ठीक लगता है, नमक डाल दो थोड़ा सा, नमक थोड़ा फ्लेवर देगा, टेस्ट देगा इसको। बहुत इतना है ना, ज्यादा हो गया बस यार, बस ज्यादा ना हो जाए। सो गाइस हमारे फ्राई हो चुके हैं, सो दिखने में तो काफी लाजवाब लग रहे हैं ना। काफी लोगों के जो नॉन वेजिटेरियन के मुंह में पानी आ गया होगा देख के। कोई नमक वगैरह डाला नहीं इसमें? हाँ नमक डाला है। वो देख उसकी आंखें चमक रही हैं, देख रही है इस तरफ। वो देख कहाँ पे? वो देख पेड़ के पास, उसकी आंखें चमक रही हैं। कैमरे में दिख रहा है? नहीं यार कैमरे में दिख रहा, छोटा सा जानवर है पक्का, कोई गिद्धड़ नहीं होते जो जंगली, वो लग रहा मुझे। छोड़ यार तंग नहीं करना चाहिए वाइल्ड एनिमल्स को, उनको तंग करोगे ना फिर वो हमें तंग करेंगे, उनको तंग नहीं करोगे ना फिर वो हमें भी तंग नहीं करेंगे। चल यार गाड़ी बस चल 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 चल। सो गाइस ये ले रहे हैं नंद चिकन के कोल्ड ड्रिंक के साथ, कोल्ड ड्रिंक उसी ड्यू है, माउंटेन ड्यू। मैं थोड़ी सी पीऊंगा यार, ज्यादा नहीं पीऊंगा, क्यों पेट भर जाता है यार इससे। वो एक ग्लास पी चुका है भाई, इसको कौन बताए वो बड़ा चला गया, उसने ग्लास पहले पी लिया हुआ है वो नहीं चाहता है कि तुम लोग ज्यादा पियो कोल्ड ड्रिंक और खत्म हो जाए। सो गाइस ये होते हैं नजारे कैंपिंग के, रॉन्ग पैक बनाया मैंने, और ये पैक नहीं गाइस, ये मौजू ले रहा है, ये कोल्ड ड्रिंक ही है। इन्होंने ना शराब नहीं पी लेकिन ये पूरी हर तरह की शराबी वाली कर रहे हैं।
मेरे गाने यूनिक एक राइम स्कीम मेरा टो आईजी पे लाइव आके मसले होते हल ना ओ इसको क्या कर रहे हैं यार पानी डाल क्या कर रहे हैं यार मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं ना मेरे को करने दे ठीक है चल ठीक तू कर ले यार ऐसे बीच बीच में बोलने की आदत डाली हुई है तूने बनाओ आराम से यार क्या ड्रामा करना है कुछ करने नहीं देता जो चीज करूं बीच में बोलने लग पड़ता है भाई मैंने देखो कुछ फालतू बोला है कुछ नहीं तो कर रहा हूं ना बात कर रहा हूं ना मैं चल ठीक कर ले तू ब्रावा कर ले तू कर रहा हूं ना मैं तू ही कर ले ऐसे बीच बीच में बोली जा रहा है लड़की रहे हो मतलब कर ले यार किसी बातों पे लड़ रहे यार चंगे बंदे यार तुम यार थोड़ा पानी डालने के लिए बोला तू बना ले मैं रहने देता हूं मैंने तेरे को क्या बोला है भाई मैंने तेरे को बोला तेरे से बात नहीं कर रहा मैं तेरे से बात नहीं कर रहा कुछ नहीं बोला मैंने तेरे को भाई मैं पानी डालने के बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोला मेरे को गाले थोड़ा सा सुखा हो गया कर रहा हूं ना मैं तू कर ले पहले यार तू कर रहा हूं ना काम नहीं करने देता अरे दिमाग खराब कर रही यार तेरा क्या हो रहा है और लड़ो नहीं यार कुछ करने नहीं देता यार तू कर ले खुद कर ले पे बकवास कर रही यार मेरे को करने नहीं दे रहा कुछ ओ भाई कफे किसको दे रहा है गाली किसको दे रहा है कफे किसको दे रहा है ओए लड़ो नहीं यार कर रहा हूं आगे बोली यार गाली किसको दे रहा है तू लड़ नहीं यार पागल है कफे किसको दे रहा है करने नहीं दे रहा है यार लड़ नहीं हो रहा अंदर ओए गाली दे रहा है पागल हो गया गाली किसको दे रहा है हमारे साथ आया वो मत कर ओए ऐसे लोगों को मत लेके आया कर तेरे पीछे छोड़ रहा इसको मैं सीधा कर दूंगा इसको 2 मिनट में बना रहा हूं यार बीच में बोली यार गाली दे रहा है गाली को दे रहा है वो भाई नहीं अपना यार गाली क्लोज पे आ गया यार तुम लोग तंगे बंदे हो यार छोड़ छोड़ यार और छोड़ यार दफा कर इसको अगली बार लेके नहीं आना इसको पहले बता रहा हूं मैं तू तेरा दोस्त है भाई यार सीधे तरीके से बात करो पानी डाले इसमें कौन सी एक बात पूरा गन डाल दी यार यहाँ पे नीचे पूरा ये क्या कर दिया गुस्से वाली बात गफे वाली कौन सी बात आ गई ये हाल कर दिया यार यहाँ पे बेवकूफी का छोटा भाई अपना चल छोटा भाई मैं निकाल दूंगा छोटा भाई मैं गाली नहीं सुनता किसी की सबके रिस्पेक्ट करो ठीक है चल छोड़ यार सही कर यार बुरा नहीं मानने के मैं उठा रहा हूं तो पागल हो यार इतनी मजे कर रहे हो तुम लोग लड़ाई कर रहे हो बंदा कोई बात कर रहा है उसे सुनो आए सो गाइस यहां पर मेहमान आया है लेकिन इसकी आंख में ना इसकी आंख में लगी है गाइस सो सैड पता नहीं किसने मारा है इसको ओए देख रहा है लालू तक प्यार कर रहा है वो उसको हुआ क्या इसकी आंख में इसकी आंख को ना किसने ना किसी जानवर ने इसको काटा हुआ यार इसको किसी ने लैपर तो अटैक नहीं किया इसको कहीं इसकी आंखें देखो गाइस ये मेरे को क्यों लग रहा है कि ये वही वाला हमारा वाला इसको यार मुझे वही लग रहा है ये हमारा डॉगी तो नहीं जो हर बार हमारे पास आता था हाँ वो थोड़ा मोटा था इसकी आंख में यार कसम से इसकी आंख देख पूरा अटैक हुआ है इसने ये जंगली जानवर से लड़ाई की है पक्का यार इसकी आंख नहीं है इसकी एक आंख खत्म हो गई इसकी यार इसकी बुरी हालत की है इसकी आंख की यार वो देख इसको बार बार देख इसको हुआ क्या होगा यार दांत मारा यहाँ पे जिसने यार क्या बात कर रहा है यार इसकी आंख देख कितनी बुरी हालत हो चुकी है गाइस ये देखो इसकी आंख डिस्ट्रॉय हो चुकी है पूरी ओह माय गॉड उसको बेचारे को दर्द हो रही है देख लो जंगल में ये डॉग जंगल का है मत कर मत कर मत कर मत कर हाथ मत लगा यार रहने दे रहने दे हाथ मत लगा पता क्या इसको तंग कर रही है उसकी आंख बच गई आई थिंक आंख सूज गई है उसकी इसको पकड़ के से खींचो रहने दे यार इसको एक और पीस दे दो खाने के लिए इसकी बुरी हालत है यार इसकी आंख गाइस देख सकते हो बुरी हालत है इसकी आंख इसके ऊपर अटैक हुआ जंगल में इसकी आंख दिख रही है वैसे ये देख इसकी आंख ना आंख बच गई है लेकिन इसको स्वेलिंग हो चुकी है और इसके ये नाक से किसी ने पंजा मारा या क्या हुआ है मत कर मत कर यार दर्द हो रही है वो गाइस बार बार अपने अपने हाथ मार रहा है उसको आंख ही नहीं है अबे आंख है डॉक्टर को लगी है स्वेलिंग हो चुकी है है ओए मेरा मन कर रहा है इसे लेके डॉक्टर को गाइस हमसे रहा नहीं जा रहा उसको ऐसे हाल में देखते हो हम ना गाड़ी की फर्स्ट एड यूज कर रहे हैं देखते हैं कुछ पॉसिबल होता है तो ये ले फर्स्ट एड देख कुछ इससे होता है इसके बाद इसमें ना एक ट्यूब पड़ी होगी वो इसके जहाँ पर इसको वो जख्म हुआ ना वहाँ लगा दे यार निकाले पहले देख ले क्या क्या चीज काम आ सकती है ट्यूब एक ट्यूब होगी बस ट्यूब लगा ये तो वो है ना गर्म पट्टी ये कोई फायदा नहीं है नहीं नहीं कवर पट्टी है वैसे देख ले यार क्या क्या इसके अंदर ये बैंडेज होगी ये किसी काम की नहीं है तू सिर्फ इसको क्रीम मैं मेरी बात सुन पता क्या लगा ये वाली क्रीम लगा बस इसको ये वाली ट्यूब है ना जो ये इसके ट्यूब का चक्कर नहीं है हां पता चक्कर इधर जाने नहीं चाहिए डस्टी यार ये गल जाएगा मैं खुला रहेगा ना गाव इसका ये करने के बाद इसको ना पट्टी फिर लगाऊंगा मैं उधर मुंह कर यार बेबी ये लगाने नहीं देगा यार ना वो नहीं लगाने देगा यार वो मैं लगा लूंगा कुछ
ऊपर से फेंकना, उसको टच मत कर, टच करेगा उसको दर्द हो रही फिर शायद। हाथ नहीं लगाने दे रहा। टेप हमारे पास ब्लैक पड़ी है, वो उसको पूरे ऐसे गले से लपेट देते हैं, है ना। सुन सुन, टेप लेके आ, सुन टेप लूँ, मैं टेप लेके आता हूँ। पता क्या कर, टेप उतार देगा। नहीं नहीं, टेप इसके पूरे गले में लपेट दे। नहीं बनेगी इसे टेप से बहुत यार। तो ये तो उतार देगा ना, ये नहीं रखने देगा यार। नीचे गिर जाएगा, क्या फायदा, ये ना खाने को पड़ जाए यार, डर भी लग रहा है। वो देख ले, टेप लगा, मैं बोल तो रहा हूँ। टेप से नहीं बात बनती यार, हमने अपनी तरफ से। वो देख ले, गुस्सा कर रहा है, रहने दे यार, चला गया, भाग गया, कोई फायदा नहीं यार, रहने दे यार। वो देख चला गया, वो एक्चुअली वो जलन हुई ना टेप। नहीं यार, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्चुअली डॉक्टर को थोड़ा सा बेहोश करेंगे ना, तभी उसको रिकवर हो पाएगा यार। इसको इसके हाल में छोड़ना पड़ेगा। गैस, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसको फर्स्ट एड देने की, बट नहीं हो पा रहा पॉसिबल हमसे। इसको पेन हो रही है आई थिंक। चल छोड़ यार, इसको इसके हाल में छोड़ देते हैं। कोशिश करने का मन तो बड़ा कर रहा है, लेकिन तो गाइस चावल हमारे लग चुके हैं प्लेट्स में। तो गाइस अभी हम ना डॉगी को खाना दे रहे हैं। चलो फर्स्ट एड तो नहीं दे पाए, एटलीस्ट खाना ही दे देंगे थोड़ा उसको। पता क्या लगी गाइस, इन सब लोगों ने अपने अपने थाली में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाल के दे दिया। इसमें देंगे इसको, आराम से देंगे, प्यार से देंगे। अच्छे से खाएगा तो रिकवरी ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन पता नहीं नेचुरली खुद कैसे रिकवर करेगा, ये बड़ा मुश्किल है। हाथ लगाने नहीं दे रहा, वरना मैं इसको पट्टी कर देता यहीं पे अभी। चलो भाई, भगवान ने भेजा था हमको इसके पास, आज इसकी सेवा करने का मौका मिला आज। सो एवरीवन, अभी हम ना व्लॉग को एंड कर रहे हैं, व्लॉग बहुत लंबा हो गया आई थिंक। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज व्लॉग को कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमें ऐसे प्यार करते रहें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, अपनी राय रखें हमारे इस व्लॉग के लिए, और जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना हमारे लिए हेल्प करेगा हमारे इस चैनल को ग्रो करने में। सो जरूर अपना कीमती और कीमती शेयर जरूर करके जाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यहां से आवाज आ रही झाड़ी से अभी, कोई नहीं कुत्ता। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।